मरत मरत और ये है मरल, मतलब देखिए कोइंसिडेंट, कहते ना कि रब ने बना दे जोड़ी, वैसा मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है। तो एम ए आर ए टी और एम ए आर ए एल, मतलब सिर्फ टी और एल का फर्क है दोनों में, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। लव स्टोरी इसको मैं बोल सकता हूँ। सर गाइज, अब मैं आपको एक क्विक टूर दे देता हूँ इस तालगोर ट्रेन जर्नी का जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तो दो तरह की ट्रेन होती है, मैंने आपको बताया, एक सोवियत ट्रेन, एक तालगोर ट्रेन। मेरी जो ये ट्रेन है ये है तालगोर ट्रेन और सेकेंड क्लास, यानी तालगोर में दो सर्विस है, एक सेकेंड क्लास है और एक फर्स्ट क्लास। तो फर्स्ट क्लास यानी लग्जरी क्लास जिसको आप बोल सकते हो, दो सीट है उसमें स्लीपिंग अरेंजमेंट, और जो सेकेंड क्लास है वो चार लोगों के लिए। तो मैंने तो सेकेंड क्लास में बुकिंग करा के रखा हुआ है। तो मेरा जो कोच है वो है एक्चुअली 6 कोच और बर्थ नंबर 13। तो ये 13 नंबर की सीट जो कि मैंने नीचे वाली बुक करके रखी हुई थी। तो बुकिंग जब आप करोगे इनकी वेबसाइट से तो वहाँ पे आपको सिटिंग सिलेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ से आप बुक कर सकते हो। तो कुछ ऐसा है इस कंपार्टमेंट के बाहर का नज़ारा, और LED लाइट यहाँ पर लगा हुआ है। इंफॉर्मेशन के लिए हर जगह देखिए एक एक चीज़ मेंशन है अगर आप देखना चाहोगे तो। मैं थोड़ा सा आपको आगे लेके चलता हूँ। ये है विंडो जहाँ से आप बाहर का जो लैंडस्केप व्यू है वो एक्सपीरियंस कर सकते हो। और ये हैंड वगैरह के लिए देखिए, पकड़ के इसको रखने के लिए दिया गया है। बाकी अलार्म सिस्टम, सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है बाकायदा। और हर एक कंपार्टमेंट में इस तरह से पानी की जो मशीन है ना वो इंस्टॉल की गई है, अगर आपको पानी वगैरह पीना है तो आप पी सकते हो। कप भी यहाँ पे मेंशन है डिस्पोजल वाला, और LED डिस्प्ले जहाँ से इस ट्रेन की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो कितने किलोमीटर पर आवर की गाड़ी से हमारी ट्रैवल कर रही, वो 29 डिग्री अभी टेम्परेचर है आज का दिन 19 जून 2023, और अभी रात के 8 बज चुके हैं। और ये मेरा जो कोच है वो है 006। ये पानी की बॉटल ये देखिए 20 लीटर वाली है एक्चुअली, ये सब यहाँ पे रखा हुआ है। फायर सिस्टम अगर कुछ इमरजेंसी हुआ तो वो यहाँ पे उन्होंने लगाया हुआ है। एक कोच से दूसरे कोच में जाने का जो इनका अरेंजमेंट है वो काफ़ी क्लासी है यार, एक तरह से मेट्रो का एक्सपीरियंस यहाँ पे आप कर सकते हो, ऐसा फील आएगा। करेंसी एक्सचेंज सोम कजाक टू उज़्बेक, हाउ मच यू आर गिविंग इन करेंसी? तो ये भाई साहब देखिए ट्रेन के अंदर ही मिल गए हैं, जो कि कजाक करेंसी को उज़्बेकिस्तान की जो लोकल करेंसी है सोम जिसको बोलते हैं उसमें ये कन्वर्ट कर रहे हैं। अब ये रेट कितना दे रहे हैं वो मैं इनसे चेक करता हूँ। ये सारी करेंसियाँ हैं उज़्बेकिस्तान की। अब देखिए भाई, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, 1 लाख की नोट है ये उज़्बेकिस, ये सारी नोट है और ये सारी करेंसियाँ हैं। आप देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार, तो ये 10,000 सोम और ये है 1 लाख सोम। तो ये भाई साहब एक्चुअली करेंसी एक्सचेंज कर रहे हैं इस ट्रेन के अंदर। तो मुझे कई लोगों ने बोला था और मैंने कई ब्लॉग पढ़ा था उसमें भी लिखा हुआ था किस तरह से लोग आपके कोच के अंदर आके लोकल करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए बोलेंगे। तो अगर ठीक ठाक ये रेट मुझे देते हैं तो मैं इनसे कन्वर्ट करा लूँगा। तो मैं आपको बता रहा था कि ये है बेसिन एक्चुअली जो इंस्टॉल है, ये सोप अगर चाहिए तो इसको आप प्रेस करिए, ये देखिए लिखा हुआ है। बाकी हॉट वाटर और कोल्ड वाटर ये है, पानी ऐसे आप प्रेस करोगे ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये भी एक सोप है, ये है टिश्यू पेपर जो कि यहाँ पे स्टॉल है। अब मैं टॉयलेट आपको दिखाता हूँ। तो कुछ ऐसा है सेकेंड क्लास के लिए टॉयलेट, तो पूरा वेस्टर्न स्टाइल का है, अभी साफ़ सुथरा है क्योंकि ट्रेन जस्ट अभी चली हुई है। और इसके अंदर भी ये रहा टिश्यू पेपर, ये रहा होल्ड हाथ पकड़ने के लिए, साबुन के लिए ये, ठंडा पानी और गर्म पानी। बाकी यहाँ पे सॉकेट वगैरह भी मेंशन है, एग्जॉस्ट है, लाइट है, LED है। इधर कुछ अगर आपको हैंड टॉल वगैरह रखना है तो आप रख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे बैठ रहे हैं तो इसको आप पकड़ सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो प्लस सिस्टम है वो है ये WC, ये आप प्रेस करोगे तो इस तरह से पानी आएगा। ये देखिए मैंने इसको प्रेस किया, अब ये जैसे एयरप्लेन में होता है ना, ये काफ़ी तरीके से ये देखिए इसने सोख लिया पूरा। बाकी टिश्यू पेपर वहाँ पे भी इन्होंने लगा के रखा हुआ है। इंडिया में जो गेट होते हैं वहाँ पे हम लोग मोस्टली खड़े होते हैं, यहाँ पे ये अलाउ नहीं है और इसके लिए पनिशमेंट दी जाती है आपको, जो TT है अटेंडेंट वो मना कर देंगे। तो लॉक सिस्टम देखिए काफ़ी है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, रेड वाला बटन दरवाज़ा बंद हो जाएगा, बट इमरजेंसी में आपको खोलना है या प्लेटफॉर्म पे आप उतरते हैं तो आपको ये बटन दबाना होगा ग्रीन वाला, ऑटोमेटिक गेट खुल जाएगा।
कैसे खुलना है कैसे बंद होना है ये सारा कुछ यहाँ पे मेंशन है। और ये देखिए, मतलब वाकई लग रहा है यार कि प्रीमियम क्लास की जर्नी मैं कर रहा हूँ इस कजाकिस्तान के ट्रेन में। अब ये जो सीट दिख रही है ना, यहाँ पे एक्चुअली बैठते हैं जो अटेंडेंट यानी टीटी, उनके बैठने के लिए दिया गया है। कैंटीन में रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था तो वहाँ पे दो तीन लोगों ने मुझे मना कर दिया, अटेंडेंट ने भी और जो लोग वहाँ पे बैठे थे वो भी, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह भी जो थे वो। फर्स्ट क्लास में सिर्फ दो स्लीपिंग अरेंजमेंट है, सेकेंड क्लास में चार, और फर्स्ट क्लास में स्लीपिंग अरेंजमेंट के साथ साथ इन्होंने टॉयलेट, पर्सनल यानी प्राइवेट लैट, बाथरूम ये सब कुछ अटैच करके दिया हुआ है। तो कजाकिस्तान का जो लैंडस्केप है ना वो काफ़ी खूबसूरत है गाइज, आप देखिए पूरा ये ग्रीन एरिया है, फार्मिंग काफ़ी ज़्यादा होती है यहाँ पे, और हर जगह घोड़े मुझे दिख रहे हैं क्योंकि घोड़ा यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर है पूरे सेंट्रल एशिया में, कजाकिस्तान में तो है ही। और यहाँ पे घोड़े का मीट, घोड़े से जो डेयरी प्रोडक्ट्स है उसके दूध वगैरह हुआ, खीर हुआ, पनीर हुआ, ये सारी चीज़ें भाई यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा खाते हैं और कुछ ऐसा है। और यहाँ पे ये मैंने नोटिस किया, अफ्रीका में जैसे कुछ बोस्तवाना, नामीबिया, इन सब कंट्रीज में मैंने देखा था कि जो फार्मिंग लैंड है ना उसको ये लोग फेंसिंग करके रखते हैं। अभी मैं कैंटीन में हो गया है और कैंटीन में जितना भी खाना है ना वो सब नॉन वेजिटेरियन ऑप्शन है। मैंने कैंटीन में जो अटेंडेंट वगैरह थे उनसे पूछा कि क्या कुछ मेरे लिए वेजिटेरियन ऑप्शन है, तो उन्होंने बोला आप सलाद ले लो, सलाद के अलावा कुछ भी नहीं है। खैर अभी जिस कंपार्टमेंट में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया मेरे साथ अंकल और आंटी जो ट्रैवल कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे कुछ फूड वगैरह अपनी तरफ से देने की कोशिश की। मैंने पहले तो मना किया बट बाद में बोला नहीं नहीं आपको लेना पड़ेगा। तो मेरे पास भी कुछ खाना पीना मैं लेके आया हुआ था, तो ये एक्चुअली मेरी पोटली जो मैं कैरी कर रहा हूँ खाने पीने का सामान। तो मेरे पास बिस्किट है, मेरे पास योगर्ट है, और फ्रूट्स में मैंने सेब रखा हुआ है, चाय कॉफ़ी बनाने के लिए चीनी है मेरे पास, कॉफ़ी चाय भी मैंने रखा हुआ है, और ये था मेरा बटर जो कि पिघल रहा धीरे धीरे। अब ये है खीरा, ये है टमाटर, और ये था आई थिंक कजाक ब्रेड जो अंकल ने मुझे दिया हुआ है। तो मैं अभी ब्रेड और बटर ये लगा के खा रहा हूँ, और साथ में जो अंकल ने मुझे ये ऑफ़र किया हुआ है टमाटर और खीरा जो मैं खाऊंगा, साथ में मैंने ये लिया हुआ यार जिसको अंकल व्हाट यू कॉल, व्हाट इज़ द नेम, नेम फिरस्की। तो ये कुछ फिरस्की करके इसको लोकल बोलते हैं एक्चुअली। ये मैंने बताया ना सिमकेंड में भी मैंने इसको खाया हुआ था और अलमाटी में भी मैंने खाया इसको कई जगह पे। तो इसमें आलू एक्चुअली मैश्ड करके भरा होता है, तो एक तरह से आलू पकौड़ा है जिसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च इन्होंने डाल के फ्राई किया हुआ है। थोड़ा सा ऑयली है, अगर आप ऑयली कम खाना पसंद करते हैं तो आपके लिए नहीं है, बट इसको आप टिश्यू पेपर वगैरह से सोख करके खा सकते हो। तो ये मैंने एक्चुअली रेलवे स्टेशन पेलमाटी में ऑलरेडी खरीद लिया हुआ था, और साथ में थोड़ा बहुत और भी चीज़ें थी मेरे पास जैसे ये फ्रूट्स वगैरह, तो मैंने सोचा था रात में मैं यही खाऊंगा, बट अंकल मान नहीं रहे हैं, ज़बरदस्ती मुझे खिलाए जा रहे हैं और बोल रहे नहीं तुम भी ये खाओ, देखिए ज़बरदस्ती इन्होंने फिर से ब्रेड मेरे में डाल दिया। आंटी अभी खा नहीं रही हैं वो, आई थिंक दैट यू आर नॉट ईटिंग, वाई वाई यू फुल स्मॉल ओके। और अंकल यार डायबिटिक हैं, और अंकल से मैंने नाम पूछा इनका, मरत और ये है मरल, मतलब देखिए कोइंसिडेंट, कहते हैं ना कि रब ने बना दे जोड़ी, वैसा मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है। तो MARAT और MARAL, मतलब सिर्फ टी और एल का फर्क है दोनों में, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, लव स्टोरी इसको मैं बोल सकता हूँ। बट काफ़ी जॉली पर्सन है यार, मतलब इनके साथ ट्रैवल करके आई थिंक मुझे मजा आ जाएगा। एंड यू विल बी ट्रैवलिंग टास्कन और सिमकेंट, यू टास्कन और यू सिमकेंट। अभी देखिए शीशा वगैरह है, कर्टन वगैरह इन्होंने लगाया हुआ है, कपड़े टांगने वगैरह के लिए हैंगर इन्होंने दिया हुआ है, म्यूजिक सिस्टम है, रेडियो सिस्टम है, एसी को ऑन ऑफ करने का है, हॉट रखना है आपको तो ब्लोअर आप चला सकते हो, और अगर आपको ठंडा रखना है तो आप ठंडा कर सकते हो। बाकी इस पूरे कजाकिस्तान कंट्री को प्रमोट करने के लिए उन्होंने दिया हुआ है, वाईफाई भी इंस्टॉल है इसमें, बट वाईफाई में सिर्फ आप एक्सेस कर सकते हो बाई डिफॉल्ट इनके कजाक या रशियन लैंग्वेज में जो मूवीज है ना सिर्फ वो देख सकते हो, बाकी चीज़ आप नहीं देख। वाईफाई इज देयर बट ओनली कजाक एंड रशियन मूवी, नो गूगल, नो यूट्यूब, ओनली यू कैन एक्सेस, या वाईफाई इज फ्री। तो ये है वाईफाई का हिसाब किताब, बाकी चार लोगों के स्लीपिंग अरेंजमेंट का हिसाब किताब है ये। ये देखिए ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा यार, हमारे जैसे इंडियन रेलवे में आप देखते हो ना ऐसे ऐसा रखने के लिए होता है, तो पीछे ये काफ़ी मोटा है अगर आप देखोगे, और ऊपर वाला कंपार्टमेंट ये है। तो कुछ ऐसा है मेरे सीट का नज़ारा,
तो ये इन्होंने एक पिलो कवर दिया हुआ है, और ये है तकिया जिसको मैंने यूज़ किया हुआ है, और कुछ ऐसा है बेडिंग अरेंजमेंट। तो काफ़ी स्पेस है वैसे अगर आप देखोगे। ये है ब्लैंकेट, जैसे दुरंतो वगैरह राजधानी वगैरह में मिलती है सेम वैसा ही है, और साथ में अलग से एक नया इन्होंने बेडशीट कवर दिया हुआ है, और ऑलरेडी एक कवर इस पर लगा हुआ है वाइट कलर का। और कुछ ऐसा है सीट ब्लूइश कलर, मैट्रेस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया है अगर मैं देखूं, और ये कम्बल भी तो काफ़ी अच्छा है यार। और ये एक टॉवल इन्होंने हैंड टॉवल अलग से दिया हुआ है जो कि यहाँ पे है। तो ये सब कुछ पैकेट में आता है एक्चुअली पूरा देखोगे। और इसी सीट के बाजू में ये इन्होंने डस्टबिन इंस्टॉल किया हुआ है, अगर मुझे कुछ रखना हुआ तो मैं इसमें डाल सकता हूँ। तो ये काफ़ी यूनिक लगा। बाकी ये है लाइट ऑन एंड ऑफ करने के लिए, ये है एक्चुअली स्टैंड, ये आप देख रहे हो ना। तो ऊपर चढ़ने के लिए इन्होंने बाकायदा अलग से सीढ़ी दी हुई है जो कि इंस्टॉल होता है यहाँ पर, इसके अंदर ये रख देते हैं जो कि वहाँ पे लगा हुआ था। अभी मैंने इसको निकाल दिया क्योंकि जो अपनी आंटी हैं ऊपर सो रही हैं तो उसके लिए यूज़ होता है। बाकी ये जो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं यार SOS सिस्टम, यानी अगर ट्रेन में कोई प्रॉब्लम हुई तो डायरेक्ट आप इसकी हेल्प से जो अटेंडेंट है उनको बुला सकते हो। और ये है ग्लास जिसमें आप अपने आप को देख सकते हो, या मैं और आप एक दूसरे को भी देख रहे हैं। दरवाज़ा का ये हैंड है, ये है दरवाजे का हैंडल, लॉक ऑन एंड ऑफ। ये देखिए अभी दरवाज़ा ऐसे खुल जाएगा, अगर मुझे लॉक करना है तो सिर्फ इसको ऐसे घुमाना है, ये लॉक हो गया और अभी दरवाज़ा नहीं खुलेगा। तो ये कुछ ऐसा है ऑन एंड ऑफ, ये एक्चुअली लगेज रखने के लिए है। तो ये देखिए इसको भी आप निकाल सकते हैं, अगर मैं इसको ऐसे निकालना चाहूँ तो ये निकल जाएगा, और फिर अगर मुझे इसको लगाना है तो मैं इसको ऐसे इंस्टॉल कर सकता हूँ। अब ये लगता कहाँ है, ये भी अलग से वो ऊपर जो देख रहे हो उसके लिए। बाकी कुछ ऊपर के लिए ये हैंड टॉवल वगैरह रखने के लिए यहाँ पर इन्होंने अलग से दिया हुआ है। ये जो है लोहे वाला, ये इसमें इंस्टॉल होता है। मेन AC सेंट्रल AC है, यानी यहाँ से डायरेक्ट सर्कुलेट होता है चारों तरफ। तो काफ़ी साफ़ सुथरा है, नीट एंड क्लीन है। नीचे ये देखिए स्पेस भी ऊपर वाली सीट से और नीचे वाली सीट में, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। अगर मैं बैठूँगा तो ऐसा नहीं है कि यहाँ मेरा सर ऊपर टच होगा, तो अच्छा खासा स्पेस है। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक वंस अगेन। और अभी सुबह के 8:15 बज चुके हैं, और कुछ ऐसा है इस राजस्थान के लैंडस्केप का नज़ारा जो मुझे आपको दिखाना था। तो रात में ऑलमोस्ट आप सोचिए 2:30 या 3 बजे मैं सोया हूँ, क्योंकि मैं वीडियो एडिट कर रहा था यार, और रात काफ़ी अच्छी थी। ट्रेन थोड़ी सी जो इसकी रफ्तार है ना वो फ्लेक्सिबल है, यानी कभी कभी कुछ ज़्यादा ही तेज, कभी कभी एवरेज, ऐसा स्पीड में ये चली है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे आपको बतानी थी ना, कि इस ट्रेन में एक बार के लिए भी मुझे ये फील नहीं आया कि मेरा सामान या बाकी चीज़ें यहाँ से कुछ गायब होने वाली, क्योंकि बाहर हर जगह CCTV कैमरे इंस्टॉल्ड है, सिक्योरिटी है, अटेंडेंट हैं जो हर बार 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 आके चेक कर रहे होते हैं, और स्पेशली हर एक कंपार्टमेंट के लिए अटेंडेंट होते हैं, वो भी 2 लोग, एक जेंट्स एक लेडीज़। तो ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, मतलब सेफ्टी वाइज अगर आप देखोगे तो आपको ये एहसास ही नहीं होगा, निश्चिंत हो के आप सो सकते हो, आराम कर सकते हो, आपका सामान वगैरह कोई लेने वाला नहीं है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी यार। अपने इंडियन ट्रेन में थोड़ा सा इस चीज़ का हमेशा हमें डर रहता है, हम अपने सामानों को रस्सी में, चूल्हे में, लॉकर में, कहाँ नहीं बांध के रखता, और फिर भी हमें लगता है कोई उठा ना ले जाए। तो ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी है, इसके लिए मैं अप्रिशिएट करूँगा। ओवरऑल ट्रेन की जर्नी जो है वो काफ़ी अच्छी रही। टिकट सिर्फ एक बार आपका चेक होता है जब आप बोर्ड कर रहे होगे आप अपनी ट्रेन, और एक बार अंदर भी चेक करते हैं, बट मोस्टली दोनों बार। अभी तक कजाकिस्तान कंट्री में मैंने 2 ट्रेन जर्नी ली, और जिसके लिए मैंने दोनों जर्नी का अगर मिला के मैं बात करूँ, लगभग 5,000 Indian rupees मैंने स्पेंड किया हुआ है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कजाकिस्तान में रेलवे अगर आपको इन्जॉय करना है और ट्रेन की जर्नी इस तरह से करनी है लॉन्ग रूट के लिए, तो इतना आई थिंक आपको पे करना होगा। सो ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस। मेरी लाइफ की पहली ऐसी ट्रेन होगी जिसको मैं यूज़ करके एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रैवल कर रहा हूँ। तो कई ऐसे लोग जो लोकल करेंसी को कन्वर्ट कराने के लिए दरवाजों पे नॉक कर रहे हैं, तो अभी उनमें से एक बंदा जिससे मैं कल रात में मिला था, आपने वीडियो में देखा होगा, तो उसी से मैंने अभी थोड़ी बहुत जो मेरी पास कजाकिस्तान की लोकल टेंगे करेंसी थी उसको मैंने उज्बेकिस्तान की लोकल करेंसी सोम में कन्वर्ट करा ली। बाकी ये देखिए गाय, भेड़ और घोड़े, ये सारे ज़्यादा दिख रहे हैं, मोस्टली तो मुझे घोड़े दिखे हैं यहाँ पे। और ये है कुछ ऐसा फील्ड, फार्मिंग फील्ड इसको बोलते हैं, और इसको देख के मुझे ऑलमोस्ट नामीबिया की याद आ रही है। नामीबिया में डेजर्ट ज़्यादा था, यहाँ पे माउंटेन है,
बट लैंड जो है वो मोस्टली फ्लैट है। तो आपको ये ट्रेन का सफ़र और ये कजाकिस्तान की काफ़ी यूनिक ट्रेन जिसको तालगो ट्रेन बोलते हैं, कैसा लगा? ओवरऑल इंडियन ट्रेन से अगर आप कंपेयर करोगे सर्विसेज के मामले में तो कैसा लगा, ये सारा कुछ आप अपना फीडबैक नीचे कमेंट में जरूर शेयर करिएगा। बाकी लाइव स्टेटस के लिए आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो इस वीडियो को करता हूँ यार यहीं पे एंड, क्योंकि अब मैं ऑलमोस्ट कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बॉर्डर पर पहुँचने वाला हूँ, तो कैमरा बंद कर दूंगा। अब मेरा होने वाला है इमिग्रेशन और कस्टम कजाकिस्तान साइड से और शायद उज़्बेकिस्तान की तरफ से भी। तो बाकी की अपडेट आपको उज़्बेकिस्तान की सीरीज़ के पहले वीडियो में मिलने वाला है। तब तक मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए और यूं ही ट्रैवल करते रहिए पूरा सेंट्रल एशिया, खासकर इस वक्त कजाकिस्तान कंट्री। लेट्स रोम इंडिया इन सेंट्रल एशिया फ्रॉम कजाकिस्तान विद अंश मिश्रा। सी यू समवेयर ऑन द नेक्स्ट सेंट्रल एशियन।